बेंगलुरु में एक स्कूल में 8 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद वहां हंगामा मच गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद स्कूल के बाहर गुस्साए अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर बेंगलुरु के एक नामी स्कूल के बाहर की है। सरेआम पुलिस की मौजूदगी में पिट रहे शख्स पर एक 8 साल की मासूम के यौन शोषण का आरोप लगाया है। ताजुब तो इस बात का है कि ये शख्स मासूम का शिक्षक है। इस मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए और स्कूल की इमारत पर पथराव भी किया गया। गौरतलब है कि आरोपी शिक्षक को स्कूल से बाहर निकलकर गाड़ी तक पहुंचाने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुस्साए अभिभावक लगातार मांग करते रहे कि आरोपी शिक्षक को उनके हवाले कर दिया जाए। छोटा छोटा मासूम बच्चे हैं, ज़ियाद बड़े भी नहीं है। वो मासूम बच्चे के साथ ऐसा काम किया। स्कूल को जो माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो एक सार हो गया, ऐसा काम कर सकता क्या वो? तो लड़का होता तो अलग बात थी। सिर्फ छोटा छोटा मासूम बच्चा है, सिर्फ 8-9 साल की उम्र है वो बच्चे की। एक से तीन चार बार ऐसा किया था, ये 4वें बार फंसा है वो। कुछ बच्ची का गलाटा हो गया बोल के हम लोग आए, देखे वो कोई पीटी सर है, वो अपने बच्ची को कुछ गलत काम किया है। ये क्या है, हर स्कूल में सीसी कैमरा लगाना जरूरी है। ये स्कूल का प्रशासन नहीं लगाया है, इसका सबसे बड़ा गलती ये है। और दूसरा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई जैसे हैं। पब्लिक ये चाह रही थी टीचर को पहले सस्पेंड करना, पहले दो बार ऐसा हो गया, इसके पहले भी 2 बार हुआ। पुलिस आई, लाठीचार्ज हो गया। गुस्साए अभिभावकों की इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया। चिंता वाली बात यह है कि बेंगलुरु में हाल के महीनों में यह 8वीं ऐसी वारदात है जहां स्कूल परिसर के अंदर ही मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। स्कूल एक मंदिर है जहाँ पे एक तरीके से सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वहाँ पे सबसे असुरक्षित हमारी बच्चियाँ और हमारे लड़के भी, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है वो लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। लेकिन ये जो देखा जा रहा है कि बैंगलोर में ये थम नहीं रहा है स्कूलों के अंदर। फिलहाल पुलिस ने स्कूल के इर्द गिर्द सुरक्षा कड़ी कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बेंगलुरु के स्कूलों में लगातार घट रही ऐसी खौफनाक घटनाओं ने ये सवाल तो खड़ा कर दिया है कि मासूम बच्चियां क्या स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। समय के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट।